ये बिल्ली लौटे है, बिल्ली मार्केट में बिल्ली। सो भाई चेक करो, ये वाला टायर देखा हमने MRF का, जो कि MRF का है। और हाय हाय हाय, क्या लीन का ग्रिप है इसका। और योगी साहब ने ले लिया है माउंट, ब्लॉगर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सब, बहुत बढ़िया हो गए। सो भाई अभी मैं घर से निकल चुका था बाहर, सीधी सड़क पे मिला हूँ आज आपको मैं अपनी बाइक पर ही, क्योंकि भाई अभी मैं जा रहा हूँ बड़ैल। और बड़ैल में भाई मैं क्या कराने वाला हूँ कि आज अपनी बाइक का ना टायर चेंज हो जाएगा, अगर सही अच्छा टायर मिल गया तो। अदरवाइज मैं पक्का फाइनल नहीं कह रहा कि हाँ चेंज हो ही जाएगा, बट जा रहे हैं बड़ैल। मैं इधर से बड़ैल पहुँचता हूँ, उधर से रोहित आ रहा है बड़ैल जाने के लिए। तो हम दोनों निकल चुके हैं। बाकी मैं बता दूं आपको कि फिर से अगर भाई मुझे टायर अच्छा मिला तो, क्योंकि इसमें मैंने टायर जो डलवा रखा है ना वो भाई 190 पीछे 120 आगे डलवा रखा है, जो कि भाई वो ना इसकी जो असली पावर है ना वो भाई बिल्कुल ख़त्म कर देती है वो भाई, बिल्कुल मतलब भागती ही नहीं टायर पर। और मेरे V4 में जब टायर लगवा रखा था ना मैंने 190 और आगे 120, तो भाई वो ना मतलब डबल और तेज और भागती थी, इससे भी ज़्यादा भागती थी। बट अभी ये भागती नहीं है यार, ये ना मेरा पावर खा जाती है। ये तीसरे गियर में 106 104 जाती थी, जो कि 100 जाते हुए भी ये लिमिटर आ जाता है इसका अभी टायर डलवा के, मुझे ऐसा लगता है। सो बाकी हम इसका टायर चेंज करवा देंगे ताकि इसका पावर है जो वो डबल आ जाए वापस से, तो थोड़ी पावर की कमी लगती है मेरे को इसमें टायर डलवा के। इसमें जो पुराना टायर डल के आता है जो कंपनी से आता है वो आता है 150 और आगे आता है 110 110, जो कि इसकी स्पीड के हिसाब से सही दिया हुआ है वो। तो मैंने सोचा था यार कि थोड़ी यार क्या बोलते हैं चौड़ा टायर डलवा लेते हैं, जैसे V4 में डलवा रखा था मैंने भाई, लीन वगैरह अच्छी ख़तरनाक लीन होती थी भाई, मतलब पूरी लिटा देता था मैं उस टायरों में। बट यार सीन ये हो गया कि उसमें भाई वो कम्फर्टेबल थे टायर, इसमें टायर ही कम्फर्टेबल नहीं है। टायर लीन वगैरह करने के लिए सही है, बट ये टायर ना वो क्या बोलते हैं अपने को स्पीड में थोड़ा मार खा जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार फिर से इसके पुराने वाले टायर ही डलवा देता हूँ जो इसमें पहले डला हुआ था। भाई इसमें पहले नवा टायर डला हुआ था Alpha H1, जो कि आजकल मतलब हर बाइक में चल रहा है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो टायर इसमें डला हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने निकलवा दिया वो। और मैंने सोचा चल चौड़े टायर डलवा लेते हैं, लीन वगैरह करने में और स्पीड में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगी, मतलब भागेगी और, क्योंकि जैसे V4 भागती थी। तो बट इसमें उल्टा हो गया सीन यार, इसमें ये भागती नहीं है, ये मतलब कम हो गई है, जो कि तीसरे गियर में 106 107 आराम से लगा देता था मैं, जो कि इसमें लग नहीं रही। 100 पे लिमिटर आ जा रहा है इसका 100 पे तीसरे गियर में। सो इस वजह से मेरा यार मूड थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, चेंज करवाना बन रहा है। संडे राइड पर मैं गया था यार, तो भाई इसकी पावर मेरे को लगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम, हालाँकि भागती तो अभी भी बहुत तेज है नो डाउट, बट फिर भी मेरे को थोड़ी पावर की कमी लगी, कि जो मेरे को पावर चाहिए थी ना बिल्कुल नाके की, बिल्कुल एकदम करेक्ट वाली कि भाई इसने जाना जाना गोली की तरह जाना है, वो वाले पावर मेरे को मिली नहीं थी, वो पावर मेरी कम हो गई थी। सो इस वजह से भाई मैंने टायर वही डलवा रहा हूँ, अगर मिल गया तो डलवा दूँगा, अदरवाइज हाइपर राइड मारेंगे आज भी, हाइपर राइड मारेंगे आज भी। अगर मिल गया 150 नंबर में टायर कम बजट में तो डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई टायर तो डलवाना ही है। इस वाले टायर में मेरे को यार कंफर्टेबल फील नहीं होते, कंफर्टेबल होता हूँ बट स्पीड नहीं मेरे को सही मिलती है यार। ये देख रहे हो तीसरे चौथे गियर पे भी जाके इतना दम खींच रही है, इस वजह से टायर को सोच रहा हूँ मैं चेंज करवा देता हूँ। अभी तीसरे गियर पर मैं आपको खींच के दिखाऊँगा, अगर सड़क खाली मिलेगी ना देखना 100 से ऊपर नहीं जाएगी, लिमिटर आ जाएगा 99 पे। तो भाई अभी लाइटें हो चुकी हैं, निकल रहे हैं, भगा के दिखाऊंगा आपको मैं अभी तीसरे गियर पे। लेटने में देख रहे हो क्या खतरनाक लेटती है, लीन वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो देखो 101 पे लिमिटर आए थे, जो कि 106 आराम से जाती थी, 106 तो ये बहुत प्यार से जाती थी है। पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, वरना ये मेरे को धर लेंगे, मैं रुकूंगा ही नहीं यहाँ, तो ये मेरे को पकड़ेंगे क्या। ल
लो जी पहुंच गए हम बड़ैल, और रोहित भी आ ही रखा होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है, बट उसने फ़ोन किया नहीं। आ गया होता तो अब तक 2-3 फ़ोन कर चुका होता भाई, वो आया नहीं, आया अभी तक। अभी वो घर से निकला था जब मैंने कॉल की थी तो, बट अपन पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंकल के पास और बात करते हैं टायर के बारे में। अगर टायर मिलता है इनके पास तो ठीक है, अदरवाइज़ न्यू पता कर लेंगे फिर न्यू कितने का है। सो फिर कुछ दिन रुक के अपन न्यू डलवा लेंगे, अगर महंगा पड़ा तो बहुत ज़्यादा, अगर ठीक ठीक मिल गया तो अभी डलवा देंगे हाथों हाथ, कोई चक्कर नहीं। अपने को टायर चाहिए ग्रिप वाला और चाहिए पावर वाला, क्योंकि पावर दे सके। अब ये टायर है भारी, ठीक है, इसको घुमाने में लग रहा है इसको जोर, सो इस करके स्पीड नहीं पकड़ रही। जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट कर रखा था अंकल है ना, अंकल है दुकान पे, सो अंदर ही घुसेड़ देते हैं बाइक अपन। अंकल अंदर ही है, दुकान खुली हुई है। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे को ना टायर चाहिए 150 नंबर, 150 चाहिए, 150 नंबर, हाँ 110 आगे चाहिए, इसका स्टॉक टायर लगवाना है मैंने। 150 नंबर अच्छी नवी कंडीशन में चाहिए मेरे को तो, ऐसा नहीं चाहिए कैसे जैसे जैसे उसमें लगा हुआ ना वैसे में चाहिए, या जैसे अभी आ रहा है अल्फा आ नहीं रहा अपोलो का, वैसे में मतलब मिल जाए, या तो ये मिल जाएंगे या फिर ये नए आए मैट के अंदर के, इनमें तो ये चाहिए नहीं ना, ऑफ रोडिंग वाले आ रहे तो नहीं पता क्या, उस इस वाली बाइक में ना पावर नहीं लग रही, ये पावर खा रही है। जो दूसरी बाइक थी मेरे पास उसमें सही था, उसमें सही चल रहा था नहीं? हाँ वो तो पावर ज्यादा देती थी उसमें, तो सारे यही है। फिर ऐसे करो, हाँ 2-4 दिन चलाओ इसको, अच्छा माल आने वाला है, अभी तो फिलहाल यही आया सारा, ये नवे मंगवाए थे बिल्कुल, आने वाला माल 2-4 दिन में इसे 150 निकाल देंगे, ऐसी बुद्धि का रख दूंगी, ठीक है, इसको 10 का आगे वाला तो पढ़ाई बहुत आती है। हेलो, यही अंकल की दुकान पे हूँ भाई, फोन कर लेना 2-4 दिन में आ जाएगा माल, ये आने वाला था माल तो बंद होने करके ना, अच्छा थोड़ा सा पड़ रहा, आज हिंदुस्तान बंद कर लो, 5 रास्ता बंद हो, रास्ता बंद करके गड्डी आ नहीं रही, ठीक है 15-16 तारीख के बाद माल आ जाएगा, कितना चला लो अभी तो ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मिला नहीं यार, मिला नहीं, नवा पता करें एक बार कितने का है, पता कर दे चल, किधर को मिलेगा, किधर को चले, बिल्ली लौंडे, बिल्ली मार्केट में, बिल्ली बड़ैल मार्केट में, बिल्ली भाई साहब, चेक करो भाई साहब, ये क्या कर रही थी, चलो
चल भाई लौंडे चल। पावर भाई पावर। चल ले कोई नहीं, यू टर्न ले ले फिर। क्या ट्रैफिक लग गया यार। यू टर्न ले लेता हूँ कोई नहीं, यहाँ से निकाल। ये बहुत पावर। फुल पावर भाई फुल पावर। अभी अपन भी पहुंच गए 21 और 21 में पता करना है हमने टायर। पता करते हैं नवा कितने का, फिर बजट में होता है तो डलवाते हैं, अदरवाइज नहीं। से डलवाना था टायर, पता करते हैं पहले। रोहित को बुलाते हैं, रोहित शायद लग रहा है उस वाली ब्लॉक में घुस गया। यहाँ चला दे, चढ़ा दे। इधर लगा दे, उस बाइक के बगल में लगा दे, एक्टिवा के बगल में लगा दे, इतनी तो जगह है। तो भाई पहुंच गए हम यहाँ पे। सो अभी हम देखते हैं अंदर जाके टायर कौन सा पसंद आता है, पहले देखते हैं टायर, दो तीन टायर दिखाएं बोलेंगे अंकल को दिखाने के लिए, उसके बाद डलवाएंगे। ओए सुन, सिर्फ पीछे पीछे का करा लेता हूँ, खाली पीछे पीछे का करा लूँ क्या? आगे का भैंस के 110 आगे का भी डलेगा ना, आगे का वहीं से डलवा लूँगा सेकंड हैंड, है ना? 110 तो मिल ही जाएगा, बाकी पता कर लेते। आ जा, कैसे हो सर? बढ़िया जी। सर टायर डलवाना था ड्यूक में 390 फ्रंट हो रही है। दिखा दो कौन कौन सा डलवाना दोनों में। जून से आप कंपनी को हाजिर है, रेडी सारे हैं, ऑल इन ऑल पैटर्न भी। सो भाई चेक करो, ये वाला टायर देखा हमने MRF का, जो कि MRF का है। और 150 है, ये चेक कर लो, ये वाला टायर डल रहा है इसमें। और ग्रिप देख लो, ये नया लॉन्च हुआ है अभी। सो अंकल ने मेरे को बताया कि ये वाला बेस्ट है, ये वाला आप डलवा सकते हो, अच्छी क्वालिटी का है। थैंक यू, ये अपनी बाइक में डल देगा अभी। हाँ चेक करो देखो। सो ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5। सो ये होता है लीनिंग का नंबरिंग, कि हाँ मतलब कितना लीन कर रहे हो आप। ये टायर सबसे बेस्ट है, ये लगा ले कहीं क्या, तो डलवा ले अपने में। हाँ आ जाएगा आराम से, आ जाएगा। तो भाई ये चेक करो,
ये रहा टायर, ये डल रहा है इसमें खतरनाक। सही है, हैं तो वही तो चाहिए हमें, बस और तो कुछ चाहिए नहीं। रोड ग्रिप जैसे मर्जी बताओ, अगर रोड ग्रिप भी ना हो तो फायदा क्या है? हाँ जी सर बिल्कुल, काम ही रोड ग्रिप का ही है। अभी ये टायर तो है रोड ग्रिप अच्छा है इसका, बट ये पावर नहीं दे रही ज़्यादा, क्योंकि 190 सेक्शन टायर है ना ये। चलो ये वाला टायर डलवा रहे हैं, 150 है ये, और इसका आगे वाला देखते हैं अभी फिलहाल। ये डल जाना है, चेक करो टायर खुल गया, टायर वो लेके गए अंदर डालने के लिए। बाकी आगे वाला टायर का भी डिसाइड कर रहा हूँ मैं, आगे वाला डलवाऊँ कि नहीं डलवा लूँ, अगले के रहने दो अगला है, नमा ही पड़ा है। नमा तो बड़ा है, पर बैलेंस नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि आगे वाला टायर भारी है, इससे भारी है, इसके जितना ही होगा सेम ले, है ना। पीछे 150 कहाँ से बनेगा, चेक करते हैं अभी, पहले पिछला डल जाना फिर अगला देखते हैं। लो जी अगला टायर है जरा ये चेक करो, अगला टायर भाई 110 नंबर, सेम ग्रिप तो ठीक है, अगली भी है ना सही है ग्रिप तो, ये है बस घिस जल्दी जाते हैं ये वाले एमआरएफ के सारे, जैसे तेरे चली नहीं थी, जब चली तो वैन से थोड़े दिनों में ख़त्म। मैटर यही हुआ है, कोई चक्कर नहीं, 6 महीने में, 6 महीने चलेगा बहुत है कि नहीं, 6 महीने में ना चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ग्रिप चाहिए हमारे को भाई, सेफ्टी है एमआरएफ की, सेफ्टी अच्छी है। नहीं नहीं क्या हुआ, ऊपर नहीं गया, कभी शॉकर पर हुआ ना, कभी वो चीज ऊपर नीचे हो जाती है, शेप में फर्क है। तो भाई ये चेक करो अपना पिछला टायर, ये डल चुका है एमआरएफ का, और अगला ये रहा, अगला ये रहा देखो, ये अगला डल गया, और ये अपने निकाल दिए टायर पुराने वाले। सो बाकी भाई हमने ग्लव्स भी ले लिए, अब फुल राइडिंग हो जाएगी, ग्लव्स ले लिया, सही है, अच्छी ग्रिप है, पाके देखेगा आगे, तेरे को तो नहीं आएंगे मेरे को लग रहा है, तेरे हाथ नहीं है सारे, इसके हाथ नहीं है देख रहे हो क्या है, तेरे तो तेरे ज़्यादा फिट है, तेरे ज़्यादा टाइट आ गया ना, सही है। सो भाई हमने टायर डलवा लिया खतरनाक, बाकी भाई इसकी ग्रिप वगैरह बताऊँगा चला के अच्छे से पूरी, और मैंने कहाँ से डलवाया, ये रही शॉप भैया की, और यहाँ पे आ जाना भाई, और बहुत अच्छे रेट यहाँ पे देते हैं, और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है भाई बहुत। इन्होंने भाई मेरे को सजेस्ट किया कि ये वाला टायर डलवाओ, सो इसकी ग्रिप देखेंगे चला के, अगले पिछले दोनों। और योगी साहब ने ले लिया है माउंट, ब्लॉगर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। ए भाई तेरी सारी वीडियो लाइक करी मैंने, और सब्सक्राइब ही नहीं कर तेरा चैनल, टाइम से हमने इसी का आ जाना, मतलब दगाबाज आदमी, दगाबाज आदमी, तेरा खुद करके गया तेरे इंस्टा आईडी पे जाके ढूंढ के लाया, अब 10 बंदों से और कराऊंगा। लो भाई तो भाई ये अच्छी अमाउंट पे, हाँ मैं तो कम इसकी वीडियो में जाना हूं। सो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लॉगिंग, ये भी स्टार्ट कर रहा है अपना सेटअप लगा हुआ, बाकी टायर की ग्रिप वगैरह बताऊंगा सीधी अपनी बाइक पर। अपना यहाँ पे काम सारा हो गया क्लियर, अभी हम डालते हैं ग्लव्स। लो जी डाल लिए ग्लव्स, लो जी बाइक भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने भाई टैटू डलवा लिया, सारा कुछ करा लिया, और ग्लव्स भी ले लिया, तो भाई ग्लव्स कुछ सही लग रहे हैं, अब अपने को चाहिए थे रेगुलर यूज़ के लिए, तो सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। वाह 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 क्या ग्रिप है भाई, कसम से मज़ा आ रहा है, टेंशन ही नहीं है, ग्रिप मस्त है, एक बारी में पता लग गया, बाकी अभी और चलाऊंगा तो देखता हूँ ग्रिप कैसी है इसकी। सही है ग्रिप भाई बेटे, सही ग्रिप है, मतलब मज़ा आ रहा भाई साहब, हल्की बाइक है ना, हल्की फील हो रही है, सही लग रहा है, उसकी तरह नहीं लग रहा भाई साहब,
हाय हाय हाय, क्या लीन का ग्रिप है इसका। अभी अभी लग रहा ना भैंस का ग्रिप है इसकी भाई, बाइक की सही वाली। ये चेक करो भाई साहब, हाय 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 हाय, क्या फुल मजा आ रहा है इसमें। जितनी मैं लेटा रहा हूँ ना भाई साहब, इतनी तो मैंने 190 भी नहीं लटा रखी थी। जितनी ग्रिप इसके भी बना रहा हूँ मैं। मजा आ रहा भाई साहब, इसके जो टायर की ग्रिप है ना भाई, मैं कह रहा हूँ वर्थ वेल पैसा भाई, पैसा वसूल चीज है, पैसा वसूल चीज है। जितनी लिटा के मैं काट रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जब मर्जी काट लो भाई, सही डिसीजन है टायर का। और भाई अगर आप लोग डलवा रहे हो ना तो भाई ये डलवा लेना, टायर का नाम नूम सब कुछ बता दूंगा अभी मैं। भाई साहब क्या सुबह, हम पहुंच चुके हैं अभी इस वक्त आईटी पार्क, और ये खड़ी है अपनी बाइक जिसमें भाई टायर देख रहे हो, ये देखो कितना लीन है, ये चेक करो, बस ये कॉर्नर बचा है, ये लीन हुआ है, और ये चेक करो यहाँ पे इतना सा बचा है। ये मतलब ये वाला पॉइंट जब लीन होएगा ना तो मतलब प्रॉपर लीन हो जाएगी बाइक अपनी, अभी तक यहाँ तक लीन हुआ है तो ये भी लीन कर देंगे भाई संडे को ये जब जाते हैं ना जब। और भाई ग्रिप कैसी है रोहित भाई से पूछवा देता हूँ, कैसी लग रही है आप बताओ क्या। हाँ मस्त लग रही है ना ग्रिप, मतलब चलाने में कैसी लग रही है, मजाक छोड़ के बढ़िया लग रही है भाई, पहले से बंदों को लेना चाहिए कि नहीं, पहले का कौन लेना चाहिए, हैं लगवाना चाहिए ना, पर भाई बजट में जिनके वही लगवाएगा प्राइस तो भाई मतलब है कॉस्टली, अगर जब अगर 390 को चला रहा तो डलवा ही सकता है वो तो। वैसे दोनों ज्यादा महंगे नहीं है, ज्यादा महंगे नहीं है, बस 12,000 के ही है, ये अगले और पिछले दोनों मिला के 12,000 के टायर आएंगे। और भाई मतलब जो भी है ना टायर वसूल, पैसा वसूल चीज है ये भाई, क्योंकि हम मैं जो पहले डराता था ना उसमें जब निकाला मैंने 190 इसमें से, उसके बाद जब बाइक मैंने भाई इतनी हल्की हो गई है और भाई इतनी कट रही है और भाई पूरा चिपक के चलता है सड़क से, पूरी चिपक के चल रही है, खतरनाक ग्रिप है। हाँ वो तो पता लगता रहेगा इनको संडे संडे राइड पे, जब भी और डेली राइड होते रहेगी तो उसमें भाई पता लगता रहेगा। ये वाइब्रेट नहीं हो रहा, मैं बताऊँ क्या हो रहा है, ये चक्का जोर से घूम रहा है, हवा आ रही है, झंझना आ रही है, मेरे को भी लगा था वहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैं लेके निकला ना वहाँ से, मेरे को भी यही लगा क्योंकि पहला टायर था जो वो मोटा था 120, तो हवा नहीं क्रॉस होती थी उसमें, अभी इसमें स्पीड से घूम रहा तो हवा लड़ती है इसमें से, ऐसा लग रहा वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है इसमें। सो बाकी भाई टायर तो हमने डलवा लिया भाई, पैसा थोड़ा सा खर्च दिया ज़्यादा, और अब एक महीने की डाइट हो गई है बाइक की, बाइक पे एक महीने में कोई पैसा लगेगा क्योंकि भाई बहुत पैसा लगा दिया मैंने। सो बाकी भाई वीडियो पसंद आई हो लाइक करके शेयर, और भाई साहब मैं बता दूं आपको अगर चंडीगढ़ मोहाली से हो आप लोग तो उसी दुकान पे जाके टायर वगैरह लगवा लेना, क्योंकि वो भाई अच्छे क्वालिटी के सब को सकते हैं और आपको अच्छे से समझा के भी टायर डालते हैं वो, ठीक है। सो मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई टायर की ग्रिप जो है ना इसकी बहुत खतरनाक ग्रिप है, सही है। और ये टायर कौन सा नाम भी बता देता हूँ पूरा प्रॉपर आप लोगों को, ये देख लो स्टील ब्रेस कुछ है, हाँ स्टील ब्रेस कुछ करके है, 155/60 ZR17 MC, ठीक है 66W है, ठीक है ये पूरा नाम है, ये अब सही से दिखा देता हूँ, ये चेक करो और ये चेक करो, ये चेक करो, पूरा नाम बता दिया तो आगे पीछे का सेट मिल जाएगा आपको दोनों। सो वीडियो पसंद आई लाइक करके शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।